दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के घर एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी है। सिद्धू की मां चरण कौर सिंह ने 58 साल की उम्र में एक बेटे को जन्म दिया है। छोटे मूसेवाला के जन्म के बाद पिता बलकौर सिंह को बधाइयां मिल रही हैं, लेकिन बेटे के जन्म के बाद बलकौर सिंह परेशान भी हो गए हैं। बलकौर सिंह ने दूसरे बेटे के जन्म के बाद पंजाब सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पंजाब सरकार बच्चे की वैधता पर परिवार से पूछताछ कर रही है। बता दें कि चरण कौर IVF तकनीक से मां बनी है। बलकौर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि वाहेगुरु के आशीर्वाद के कारण हमें हमारा शुभदीप वापस मिल गया, लेकिन सरकार सुबह से मुझे परेशान कर रही है, मुझसे बच्चे के दस्तावेज देने को कह रही है। वे यह भी साबित करने के लिए मुझसे पूछताछ कर रहे हैं कि यह बच्चा वैध है या नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार विशेषकर मुख्यमंत्री भगवंत मान से अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी उपचारों को खत्म करने की अनुमति दी जाए। मैं यहीं का रहने वाला हूं और आप मुझे पूछताछ के लिए जहां भी बुलाएंगे मैं आऊंगा। IVF प्रक्रिया के लिए सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था और वह दस्तावेज भी प्रस्तुत करेंगे। बता दें कि फेमस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी मौत से उनके फैंस को तगड़ा झटका लगा था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ली थी। साल 2017 में गीत उचाइया ने गल्ला तेरे याद दिया सोहाई से करियर की शुरुआत करने वाले सिद्धू मूसेवाला ने काफी कम समय में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की थी।